हेलो एवरीवन, आपका मेरे चनवेज किचन तड़का में स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम दो तरह के नमक पारे बनाएंगे जो खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं। चलिए तो बनाना शुरू करते हैं दो तरह के नमक पारे। सबसे पहले हम लेंगे एक खाली बाउल और उसमें हम डालेंगे 2 कप मैदा। मैदे की जगह आप आटा भी ले सकते हो। आधा चम्मच अजवाइन, नमक स्वाद अनुसार, आप इसमें काली मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं। इन सबको अच्छे से मिला लेंगे। ये मैंने 1/4 कप ऑयल लिया है और आधा मैंने डाल दिया। अब हम इसको अच्छे से मिला लेंगे। बचा हुआ ऑयल भी डाल देंगे। ऑयल डालने के बाद अच्छे से मिलाएंगे। ऐसे देखेंगे, अगर मुट्ठी बन रही हो तो इसका मतलब है कि हमें बस इतना ही ऑयल चाहिए था। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका डो तैयार कर लेंगे। ये देखिए, हमारा डो बन के तैयार हो गया। अब हम इसको ढक के 10 से 15 मिनट के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट हो गए हैं। ये मैंने एक बोतल का ढक्कन लिया है और एक मैंने फोक लिया है। सबसे पहले हम डो का एक पार्ट ले लेंगे, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि हम 2 तरह की मटरी बना रहे हैं ना, तो इसलिए। पहले हम ढक्कन लेके उसको ऐसे काटना शुरू करेंगे। ये देखिए, ये बिल्कुल काजू की शेप में तैयार होगा। देखिए, मैं और करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, ऐसे ही हम सारे नमक पारे तैयार कर लेंगे। ये हमारे काजू की शेप में तैयार हो गए हैं। ये देखिए, पूरे काजू लग रहे हैं ना। अब हमने दूसरे डो को भी ऐसे रोटी की तरह बेल लिया है। अब हम बड़ी बोतल का ढक्कन लेंगे और इसको राउंड शेप में कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने सारे कट कर लिए हैं। अब हम एक फोक लेंगे और उस पे ऐसे इसको चिपका देंगे अच्छे से। अब हम इसको हल्के हाथों से नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन बनके तैयार हुआ है। ऐसे ही एक और करके दिखाती हूँ। ऐसे नीचे की तरफ फोल्ड करेंगे। ये देखिए कितना अच्छा डिजाइन बना है। ऐसे ही हम सारे बना के तैयार कर लेंगे।
ये देखिए हमारे डिज़ाइन नमक पारे बन के तैयार है। अब हमने तेल गर्म होने के लिए रखा हुआ था, उसमें हमने आटे की एक लोई डाली तो वो ऊपर आ गई। इसका मतलब है कि तेल हमारा बिल्कुल गर्म है। अब हमने जो काजू की शेप में नमक पारे बनाए थे उनको फ्राई कर लेंगे। गैस का फ्लेम हमने मीडियम टू हाई रखा हुआ है। ऐसे हम सारे नमक पारे तैयार कर लेंगे। देखिए हमारे दोनों तरह के नमक पारे बनके तैयार हैं और ये खाने में भी इतने क्रिस्पी हैं, आप इसे एक बार ज़रूर बना के देखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो बाय बाय दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।